पीएनबी के बाद अब ओरिएंटल बैंक में घोटाला। दिल्ली के व्यापारी पर 389 करोड़ 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। सीबीआई ने शुरू की मामले की जांच। बैंकिंग घोटाले पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, ये दुर्भाग्य की बात है, इसके लिए नेताओं को ठहराया जाता है, जिम्मेदार नियामकों को नहीं। जेटली के बयान पर कांग्रेस का निशाना, अपनी नाकामी छिपा रही है सरकार। पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी ने अपने कर्मचारियों को लिखा पत्र, कहा नई नौकरी ढूंढ लो, सैलरी देना मुश्किल। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी पर और कसा शिकंजा, मुंबई पुणे में 524 करोड़ की 21 प्रॉपर्टी सीज, ईडी ने 26 तारीख को पेश होने का किया समन जारी। मिशन कर्नाटक पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, 3 दिनों की जनसंपर्क यात्रा करेंगे राहुल, महिला रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन दीव के बीच हवाई उड़ान को किया लॉन्च, 1000 करोड़ की योजनाओं का भी किया उद्घाटन, कहा दमन के लोगों के पास नहीं रहेगी कोई कमी। जयललिता की 70वीं जयंती पर तमिलनाडु को तोहफा देंगे पीएम मोदी, चेन्नई में अम्मा टू व्हीलर स्कीम का करेंगे उद्घाटन, कामकाजी महिलाओं को आधे दाम में मिलेंगे दोपहिया वाहन। मध्य प्रदेश में कोलारस और मुंगावली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज की कड़ी परीक्षा। थप्पड़ कांड में केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस, आपका आज देश भर में प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर साजिश करने का लगा रही है आरोप। मोदी सरकार पर हमलावर हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, कहा हमारी 70 साल की मेहनत की जा रही है बर्बाद, हमने देश जोड़ा, बीजेपी देश तोड़ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति कोविंद को बुलाने पर छात्रों का विरोध, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को लिखा पत्र, कैंपस में न आए संघी मानसिकता वाले लोग। बरसाना में आज खेली जाएगी विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली, कृष्ण जन्मभूमि पर सीएम योगी ने किए दर्शन, कहा धार्मिक स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश। ओडिशा के बोलनगीर जिले में शादी की खुशी में पसरा मातम, रिसेप्शन पर अज्ञात ने गिफ्ट पैक में भेजा बम, धमाके में दूल्हा समेत 3 लोगों की मौत। बिहार के मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाली घटना, स्कूल की बिल्डिंग में घुसा तेज रफ्तार वाहन, हादसे में 9 बच्चों की मौत, 25 से ज्यादा घायल। वरिष्ठ पत्रकार नीलाभ मिश्रा का चेन्नई के अस्पताल में निधन, नेशनल हेराल्ड मैगजीन के संपादक थे नीलाभ मिश्रा, राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताया शोक। अफगानिस्तान में सिलसिलेवार आत्मघाती हमला, बम विस्फोट में 23 लोगों की मौत, कई घायल, पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर की सबसे बड़ी कार्रवाई, डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया की शिपिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिंग कंपनियों पर कई प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज, 3 मैचों की T20 सीरीज में बराबर पर हैं दोनों टीमें, 9:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। शादी को लेकर सलमान खान ने किया बड़ा खुलासा, कहा शादी के खर्च की वजह से अब तक हूँ सिंगल, पैसा बर्बाद करना नहीं लगता अच्छा। और सिंगर पापोन के समर्थन में उतरी नाबालिग बच्ची, यूट्यूब पर वीडियो जारी कर कहा सर ने कुछ भी नहीं किया गलत।